हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरु वाहिनी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। एबस, Prince, Eight of Star, Sagittarius, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी ने कंट्रोल कर रखा है या फिर कोई चीज है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। शायद आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं एंड आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग है। एबस के कार्ड की तरह, एबस का कार्ड देख के लग रहा है कि जो यहाँ पे पर्सन है ये बहुत लॉयल है और ये जब भी किसी रिलेशनशिप में होता है तो अपना 100% देता है। और यही सिचुएशन आपके साथ भी है। यहाँ पर आपको फील हो रहा है कि आप जो कनेक्शन इस पर्सन के साथ महसूस करते थे वो शायद दोबारा आप किसी और के साथ महसूस नहीं करेंगे और कोई चीज आपको इस समय खुशी नहीं दे रही है क्योंकि एट ऑफ स्टार के साथ आप किसी अलग ही दुनिया में कैद है। इस वक्त आप अपने इमोशंस में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि इस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कम रहे। इस वीक में कोई कुछ बोले एंड आप उस चीज को नहीं सुन पा रहे हैं। कोई सामने बैठा है मगर आप उसकी बात को ठीक तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप हर समय 24 घंटे कुछ और सोच रहे हैं। फिर यहाँ एक कार्ड पोप का। सो पोप के कार्ड के साथ आई थिंक जिससे आप डील कर रहे हैं वो भी आप में उतना ही इंटरेस्टेड है। पोप और एबस, परफेक्ट कपल। आप जिससे डील कर रहे हैं वो पर्सन भी ऐसा ही फील कर रहा है बट उनके लिए शायद अपने बैरियर्स को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये पर्सन आप तक अप्रोच करने में असमर्थ है, आप तक पहुंचने में असमर्थ है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में इन्हें सोचना है। ये पर्सन बहुत ज्यादा दूसरों के व्यूज सुनता है, एडवाइस सुनता है। इन्हें बहुत ज्यादा परवाह है कि इनके कौन से एक्शन से कौन हर्ट हो जाएगा या किसे बुरा लगेगा किसे अच्छा लगेगा। कोई भी स्टेप लेने से पहले ये पर्सन बहुत सोच रहा है और यही कारण है कि ये पर्सन कोई फाइनल स्टेप नहीं ले पा रहा। यह कार्ड है प्रिंस का। तो प्रिंस के कार्ड के साथ डेफिनेटली आपके बीच का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग हो रहा है। इनफैक्ट जहां भी प्रिंस का कार्ड अपीयर होता है इसका मतलब है विक्ट्री। तो अगर ये कोई ऐसा पर्सन था जिसके बारे में आप ये सोचते थे कि ये पर्सन आपसे इतना अट्रैक्टेड नहीं है, ये सिर्फ आपकी तरफ से है, तो अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं ऑलरेडी, इन केस आप रह चुके हैं तभी इसको अपने केस में कंसीडर कीजिएगा। ये पर्सन अब रियलाइज कर रहा है कि आप कौन है प्रिंस के कार्ड के साथ। शायद उन्होंने वक्त रहते ये रियलाइज नहीं किया कि आप ही वो पर्सन है जो उनके लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल है। आप परफेक्ट हैं, आप उनके पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा मैच करते हैं, लेकिन अब शायद लेट हो गई किसी वजह से। शायद उन्होंने देर कर दी इस चीज को रिकॉग्नाइज करने में और ऑलरेडी उनके आसपास बहुत कुछ चल रहा है जिससे उन्हें डील करना है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है सैजिटेरियस, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस एस्ट्रोलॉजर
मूंग, मास्टर, टेन ऑफ स्टार्स। कुछ चल रहा हो सकता है उनके फैमिली में, हो सकता है कि उनके फैमिली मेंबर्स उनको एडवाइस दे रहे हो कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या चूज करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ आसपास लोग उनको कोई और पर्सन भी सजेस्ट कर रहे हो कि उन्हें इस पर्सन से रिलेशनशिप रखना चाहिए या इस पर्सन से शादी करनी चाहिए। एडवाइसेस, बहुत सारी एडवाइसेस, और ये पर्सन उन चीजों को सुन रहा है और शायद उन्हें इन लोगों की परवाह है क्योंकि वो उनके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। एंड ये पर्सन ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनको हर्ट किया जाए, क्योंकि वैसे भी पोप के कार्ड के साथ ये पर्सन बहुत सेंसिटिव हो सकता है। हो सकता है किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो या फिर अर्थ साइन से। हालांकि जनरल रीडिंग है, ये कोई जरूरी नहीं है, बट ये पर्सन बहुत सेंसिटिव है और चीजों को करने से पहले 100 बार सोचता है और आसानी से दुखी भी हो सकता है और खुश भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे 10 ऑफ स्टार के साथ ये पर्सन अपने लोगों की बहुत ज्यादा केयर कर रहा है इस वक्त। और यहाँ एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है और सेम टाइम में आपको ये फीलिंग हो सकती है कि आप इस पर्सन तक पहुंच जाएं, इनको रोके कुछ भी करने से या इनको दूसरे पर्सन में इंटरेस्ट लेने से रोके, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ मून है। हो सकता है कि ऑलरेडी ये इनके लाइफ में कोई आ चुका हो या कोई इनका अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा हो। एंड एस्ट्रोलॉजर के साथ आपके मन में ये आ सकता है कि ये पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है, या फिर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं इसीलिए आप नहीं चाहते कि वो किसी और में इंटरेस्ट ले। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आप अपना पेशेंस रख रहे हैं सजिटेरियस, क्योंकि मास्टर के कार्ड के साथ आप समझदार हैं। आपको ये पता है कि दूसरे अपना डिसीजन ले सकते हैं और इसमें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं, फिर भी मास्टर के कार्ड के साथ आप जानते हैं कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। शायद आप लोगों से शेयर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स अपने फैमिली मेंबर अपने फ्रेंड्स के साथ, और इससे आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा है, राहत मिल रही है, क्योंकि फाइनली आपके मन की बात बाहर आ रही है। तो यहां पे जरूरी है कि आप अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें और चीजों को उसी तरीके से देखें। चलिए देखते हैं एक और मैसेज आपके लिए सजिटेरियस। द मजिशियन, द मजिशियन के साथ आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है या ये पर्सन धोखेबाज है। एंड कहीं ना कहीं आप ये भी फील करते हैं कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं लेकिन वो आप में जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है द मजिशियन के कार्ड के साथ अगर वो ऐसा शो भी कर रहे हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं है, पास्ट की यादें उनके पास है। और द मजिशियन के कार्ड के साथ शायद वो कुछ कर ही नहीं सकते सिचुएशन में, इसलिए कुछ कर भी नहीं रहे। आसपास इतने सारे लोग हैं जिनका उन पे प्रेशर है या फिर जिनकी बात को उन्हें सुनना ही है हर हाल में, तो इसलिए द मजिशियन के कार्ड के साथ शायद ये पर्सन अपने ट्रू फीलिंग्स को नहीं दिखा पा रहा है या अपने हिसाब से एक्शन नहीं ले पा रहा है। चलिए एक ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए सजिटेरियस। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस फॉर 3rd week of January। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, Think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. तो आपको कहा जा रहा है कि आप उन बातों के बारे में सोचिए जो आप चाहते हैं, and set your sights high, अपनी उम्मीदों को
ऊंचा रखिए, आई मीन ज्यादा मांगेंगे तो ज्यादा मिलेगा, अच्छा आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो अच्छी चीज आपके लाइफ में आएंगी, एक्सपेक्ट अ पॉसिबल आउटकम। सो यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करना है, अच्छा सोचिए सजिटेरियस, चीजें अच्छी होंगी, अपना काल मत खोइए, अपनी शांति मत खोइए। तो ये थी रीडिंग आपके जनवरी के 3rd वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो।